बीते एक माह से चल रहे सड़क सुरक्षा माह का समापन बुधवार को एसएनजी सभागार में पुरस्कार वितरण समारोह के साथ संपन्न हुआ। इस पूरे माह यातायात विभाग में विभिन्न प्रकार के अभियान चलाकर आम जनमानस को सड़क पर चलते समय अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। देखिए, 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आज पिछले एक माह से ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ मनाया जा रहा है, जो हमारे पुलिस मुख्यालय के भी निर्देश हैं। और लगातार हर साल ट्रैफिक सप्ताह मनाया जाता है, इस पर ट्रैफिक मंथ मनाया गया, तो जिसमें लगातार हमारी कोशिश रही है पुलिस विभाग की कि स्कूल के माध्यम से, कॉलेजेस के माध्यम से और विभिन्न तरीके की रैलीज आयोजित करके, जैसे ट्रैक्टर रैली भी एक आयोजित की और जगह जगह पर जाकर लोगों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में जागरूक करना। इसी तारतम्य में हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो हाई कोर्ट कमेटी है उसके चेयरमैन साहब भी आए थे, उन्होंने भी 2 दिन तक लोगों को इसके बारे में समझाया। तो पूरा हमारा उद्देश्य ये था कि लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी हो, ताकि अधिक से अधिक लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके, जो कि रोड एक्सीडेंट में होती है, कम से कम दुर्घटनाएं हों, ये हमारा पूरा उद्देश्य था। और इसी तारतम्य में हमने शहर की 2 प्रमुख सड़कें जो हैं उस पर हेलमेट भी कंपलसरी करने का अभियान चलाया है, तो जिससे कि कोशिश है कि लोगों में हेलमेट डालने की आदत पड़ेगी, ताकि अगर रोड दुर्घटना होती है तो उसे ज़िंदगी बचाई जा सके। तो पूरे इस मुहिम का उद्देश्य है कम से कम एक्सीडेंट हों, ताकि अधिक से अधिक ज़िंदगी बचाई जाए। नहीं, देखिए, हर परिवार अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, तो बच्चे अगर किसी चीज़ की मांग करते हैं तो हर एक माता पिता की ये चाह होती है कि उसकी जो मांग है वो पूरी की जा सके। हमने बच्चों से ये आह्वान किया है कि अपने पेरेंट्स को ट्रैफिक नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित करें, और जिसके लिए वो जितनी कोशिश करेंगे उससे उतना ही अधिक फ़ायदा पेरेंट्स को भी मिलेगा और बच्चों को भी मिलेगा, ताकि उनके माँ बाप की ज़िंदगी खत्म।